व्हाट्सअप गैंग बैंग, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल वीडियो। भैया ये गेम प्ले देखने के बाद तुम सिर्फ ये बोलोगे अंदर मेरे को भी टॉफी खानी है। नहीं मतलब ये भाई कतई टॉफीदार गेम है। देखो भाई ये गेम है अब तक का पिछले 5, 6, 10, 15, 16, 18, 100 सीजन का बेस्ट गेम। जी हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस गेम प्ले को ऑलरेडी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो जितना हो सके, क्योंकि ये गेम प्ले के अंदर तुम खुद समझ जाओगे कि मैं क्यों इस गेम प्ले की इतनी तारीफ कर रहा हूँ। तो मिलिट्री बेस में अब जो होगा ना, इसके बाद सिर्फ तारे जमीन पर होंगे और आसमान के अंदर पानी भरा होगा। समझ रहे हो ना बात, फीलिंग समझ रहे हो ना? कटाई लाइक यू नो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी ये गेम प्ले देखने के बाद। हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बीवी बन जाएगी ये गेम प्ले देखने के बाद। तो शेयर करो ऑलरेडी, क्योंकि अब धमाका होने वाला है। कहते धमाका 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 इनटू 100। तो भाई हम उतर गए मिलिट्री बेस के अंदर। भाई उतरते हमको दिख रहे राइट में एक स्क्वाड है, लेफ्ट में बंदे। मैंने कहा अरे ये तो लाइक कम ही बंदे लग रहे हैं, ज़्यादा बंदे हैं नहीं। मगर ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हमें का पटाठक की गेम हो रखा है ग्लिच। आधा सर्वर इधर ही उतरा हुआ है एंड मेरा तारे ज़मीन पर होने वाला है, लेकिन मैं अपने तारों को हवा में ही रखना चाहता था, इसलिए मैंने इन सबको मारने की बहुत अच्छी कोशिश करी यहाँ पर कैब गैंग, जो तुम देख देख के पागल होने वाले हो। तो होता क्या है कि हमारे को मिल जाती है एक VSS के साथ साथ M60। भैया ये गन वैसे तो कुछ ज्यादा खास है नहीं, अलग टम पास गन है, लेकिन कोई नहीं अभी तक यही मिली है, तो इन्हीं से पहले पाली शुरू होगी। आजा मेरे साथ। कैब गैंग, आप लोगों ने 1x बेट के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसका प्रमोशन करते हैं, तो क्योंकि भाई साहब आप इसमें सही में बहुत सारे पैसे कमा सकते हो एंड आपको उसी के साथ इस ऐप के अंदर इंस्टेंट विड्रॉल भी मिलता है। बेटिंग ऐप है जिसके अंदर आप जाकर के अपने स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन लगा सकते हो, कोई भी गेम हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी अपकमिंग टूर्नामेंट्स हो। आपको जाना है यहाँ पर सिर्फ अपने बेट लगाने की, कौन सी टीम आपको लगती है कि जीत सकती है, एंड आपको बहुत सारा पैसा कमाने को यहाँ पे मौका मिलेगा। एंड अगर आप 100 रुपये डालते हो तो आपको 200 रुपये मिलते हैं, मतलब कि इसके अंदर एक तो बोनस है, 100 पे 100, 200 पे 400 आपके इसके अंदर डालते ही। तो भाई जा करके डाउनलोड करो 1xbet को एंड यूज करना मेरा कूपन कोड किंग एंड्रू एंड भाई जा करके पैसे कमाइए। इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है। धीरे धीरे से इनके पास क्लोज इन कर रहे थे एंड TPP लेकर के इनकी गलतियां देख रहे थे। ये TPP ले रहा है मेरे सामने, डरा नेड़े? तो मेरा दिमाग सटक गया, मैंने बोला अब देख बेटा तुम्हारे भाई ने मारा पूरा का पूरा राइट से। जी हाँ, राइट से फ्लैंक मारा मैंने। मैंने कहा आ जाओ बेटा राइट से घूम के मारूंगा तुमको। तो मेरे को ये सामने खुले में मिल गए हमारे नादान परिंद। अबे राइट बीच में आ गया तो गोली तेरे पे एक्स्ट्रा। इन नादान परिंदों के पंख काटने के बाद हमारे ऊपर भाई एक स्क्वाड रश करती है और उसके ऊपर एक और स्क्वाड रश करती है एंड उस स्क्वाड के ऊपर एक और स्क्वाड रश करती है एंड उस स्क्वाड के ऊपर एक और स्क्वाड रश करती है। समझ रहे हो ना? तुम समझ रहे हो ना हमारे साथ अभी क्या होने वाला है? तुमने होपफुली सब्सक्राइब एंड लाइक का शेयर का बटन दबा दिया है, क्योंकि अब भाई जो होगा उसके बाद भगवान भरोसे क्या होगा। भाग 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 भाग। राइट साइड गया, डोर बंद कर। लड़ाई हो रही है इधर, आओ इधर आओ। हाँ राइट
तो भाई इधर मैं मरते मरते बचाऊ, क्योंकि दो स्क्वाड आकर्स क्या लाइक आपस में ना लड़ पड़ी और मेरे को ना बीच में मौका मिल गया साइड खिसकने का, यू नो थर्ड पार्टी होने से बचने का, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है भाई। मेरे को अपनी एचपी भी मिल गई, मगर हमें का पता था कि एक स्क्वाड अंदर मर चुकी है एंड अब दूसरी स्क्वाड हम पे कुत्ते वाला रश करने वाली, लाइक कतई लाइक यू नो डी ओ जी डॉग टाइप, क्योंकि उन्होंने जो किया है यहाँ पे भाई, या क्या बताऊँ, मैं तो एक ग्रेनेड फेंक रहा था, ग्रेनेड फेंकते फेंकते भाई मेरा बंदे का कप फट गया, क्रैकर हमारा फट गया, पता भी नहीं चला कैसे। तो ये जो हुआ बड़ा सैड सीन हुआ, और जो उसके बाद तुम्हारे भाई ने क्लच मारा है, हाय हाय हाय। एक बंदा ओपन से, एक और है, कहाँ है वो? वहीं यहीं पे, ये ऐसी जहाँ पे तुमने नॉक करा है अभी, वो रिवाइव दे रहा होगा। नहीं वो उधर है सामने। वो इतने सारे बंदे कैसे उठ गए? लास्ट है वो, आगे है ओपन में। मार दे। अमर। यस यस, अरे भाई क्या क्लच मारा है भाई, क्या क्लच मारा है इनके ऊपर 2v4 भाई 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 भाई, बहुत ज्यादा टफ था यार ये, बहुत ज्यादा हार्ड। भाई ये तो पता है मूवमेंट था, एकदम गलत मूवमेंट था पता है ये। भाई मारो मुझे मारो, नहीं नहीं भाई मेरे को तुम मार ही दो, मेरे को जिंदा ही नहीं रहना है, हम लोग जिंदा कैसे भाई। अरे तुम इसको स्लो मोशन में जाकर देखना, तुम्हारे भाई ने लेफ्ट वाला बंदा जो भाग के आ रहा था जिगल जिगल करके, उसको क्या जिगलू जिगलू करके हेडशॉट मार रहे, जिगलू जिगलू तीन हेड मार दिया। देखो पेटी देखो भाई, इतने बंदे तो उतरे भी नहीं थे भाई, सही में बहुत सारे, एक दो तीन चार पाँच छह, ये तो शुरुआत से बनी हुई थी, बाकी हमने बनाई है। चलो अंदर पीछे बाहर यहाँ भाई साहब, हमने फिर जल्दी से यू नो लूटम लाटी करी मिलिट्री बेस के अंदर, देखा आसपास कोई और बंदा तो नहीं है, मेरे को अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा था। तो भाई आज मैं वैसे ये चला रहा हूँ अपने M7 की चिकन वाली स्किन एंड M4 की ब्लड ओथ वाली स्किन एंड कमांडर सेट सीजन 14 का विद पैरा हेलमेट ऑफ सीजन 15। देखा भाई तुम्हारे भाई के पास सारे नाम याद है। एंड में वो बंदा पता खुले में आया, ओ भाई उसने क्या नहीं ट्राई किया, पता क्या नहीं ट्राई किया उसने। वो पहले बैठा प्री फायर, पहले उसने क्लाउच प्री फायर 30 गोली, ठीक है गन बदली फिर प्री फायर, उसके बाद जैसे तू मारने गया एकदम लेट गया तेरे मुंह पे, उसके बाद मारता गया मारता गया मारता गया भाई। एंड फिर हम लोग मिलिट्री बेस से भागम भूगी करके निकल लिए फुल स्पीड और आगे याशी का पनीर लाना में, लेकिन पनीर तो उसका खट्टा था और उसका पनीर फटा हुआ था, तो हम याशी का पनीर लाना से पहले मुड़ करके देखा हमने तो पीछे तो एक नशा नशा वाला लड़का गाड़ी में बैठ के गांजा फूंक रहा था अकेले अकेले। भाई क्या कर रहा है भाई? Mark the vehicle. Don't you think you are a bit late? क्या है, कैसा बंदा था भाई? तूने हरकत देखी इसकी? ये पता है इसके टीममेट को छोड़ के चलोगे? हाँ इसके टीममेट को छोड़ के चलोगे, साला ऑफलाइन बैठा है कुछ कर रहा है, छोड़ दो इसे, उसने फिर हमको देगा। ओ कौन को क्या रहा, मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है बेटा।
Marked a location. और कहाँ एक और? Left में. Enemies ahead. Orange compound. इसकी यहीं पे है, इसी घर के पीछे आ गए. हाँ. अबे तो तीन बंदे. तो ऊपर. देख, I have no idea. दो क्या है ये कंफर्म? दो ही हैं शायद. नीचे ही कैंप कर रहा था, इनको पता नहीं था. वाओ भैया, नहीं नहीं कतई वाओ भैया, ये क्या हो रहा है भैया? ए भैया ये क्या हो रहा है? तुमने इसका जो पहला बंदा हमने गाड़ी में मारा उसकी हालत देखी थी? वो बंदा गाड़ी में बैठा है ना. बेटा तुम गाड़ी में क्या कर लेते? तुम ले को तुम्हारी दान पाली नहीं है बेटा. नुबली के ओए नुबली के, ये दो केदी वाली हरकत काय कर ले तुम इधर? नुबली का नुबला है भाई, क्या बताए भाई नुबला. अब भाई देखो तुम्हें एक सीधी सी बात बताऊं तो वो बंदा ना पता नहीं क्या सोच के उस गाड़ी में इतनी देर तक बैठा रहा, मगर कोई नहीं, उसको उसका प्रसाद भी मिल गया और हम लोग निकल लिए अपनी और शिमला वाले US में, बंदों को ढूंढने US में. और शिमला शिमला प्यारी शिमला वाली US में. अब मेरा बंदा बोलता है कि अनपुर यहाँ का घूम रहा है, पनीर लेने चलते हैं ना यशिका से. मैंने कहा लेट्स गो याशनाया पोलियाना. हमने भी गाड़ी मोड़ी एंड फुल स्पीड यशिका पनीर लाना की तरफ चल दिए. लाइक यशिका को पोलियो लाना क्या? नेवर माइंड, मेरे को समझा ही नहीं. लेकिन हम चल दिए याशनाया में. अब भाई यहाँ पर तो ऐसे लड़ाई बज रही जैसे एक दूसरे के जाने दुश्मन लड़ रहे हो भाई. यहाँ तो अलग ही मजे चल रहे जिंदगी के. ऊपर ही लड़ रहे हैं तो अबे यार दो नॉकआउट पड़े हुए थे इसके, पता है भाई मेरे को क्या पता कहाँ नॉकआउट पड़े हैं. भाई यार पता है मेरे को अब यहाँ पे मैं ये कंफ्यूज था कि मेरे को खुश होना चाहिए कि मेरे को एक किल मिल गया, या दुखी होना चाहिए कि इसके तीन बंदे नॉकआउट पड़े थे और उनका मैं किल नहीं ले पाया. मैंने फिर यहाँ पर बैठकर जल्दी से हेल्थ हुल्थ मारी है ना, बूस्टर बूस्टर से पिए अपने तारे जमीन पर. मैं देख रहा था आसपास क्या चल रहा है. वैसे मेरे को और बंदा दिखा नहीं, आठ बंदे अलाइव है लेकिन हमें का पटाठा कि आठ के आठ बंदों को मेरे से बड़ी दुश्मनी है भाई. ये पता नहीं आकर कि मेरे क्या चिपटे हैं, लाइक जैसे मैं इनका कुछ लेके खा लिया हो. भाई कैप गैंग तुम लाइक का बटन भाई अभी तक हैं, अभी मज़ा आने वाला है और ज़्यादा है कि नहीं? आने वाला है ना. भाई रुक जाना भाई. भाई हो गया बस. इस बंदे से बुरी दर्दनाक और डिप्रेसिंग और गिव अप करने वाली पेटी किसी की नहीं बनी होगी. पता है ये बंदा ना बग्गी में भाग रहा था. मैंने अपने बंदे को बोला कि इस पे गोली नहीं चलाएंगे हम, इसके ऊपर ना अपनी गाड़ी चढ़ा करके उस नूबड़े को चलती बग्गी के अंदर ऊपर से गाड़ी ले जा करके कुचल देंगे. वही हमने क्या भाई इसके ऊपर अपनी गाड़ी ले जा करके रख दी और भैया ये बंदा पैनिक होकर के बगल में पत्थर था उस पर जा करके भाईजान ने बग्गी ठोक दी. अलग ही सुहाद है भाई हैं.
अब तुम्हारा भाई बंदों को ढूंढने के लिए भाई पागल, मैं तो कह रहा था अरे आ जाओ भाई बंदो, कहाँ हो हैं, वेयर आर यू हाइडिंग। इतने में हमें पता चलता है कि जो ब्लू कंपाउंड है ना जहाँ पर हम पहले थे, यहाँ पर बंदे आ गए हैं। मैंने कहा अरे भाई संडे हो या मंडे, संडे हो या मंडे, कैब गैंग करेगी, खराब हो गया गाना, नेवर माइंड, रोज मारेंगे बंदे बंदे। अब भाई ये बंदे ऊपर चढ़े थे, मैंने कहा कोई नहीं, तुम्हारे भाई ने भी लगा लिया 15 केडे का दिमाग। मैंने कहा भाई अगर तुम टार्जन हो तो मैं मोगली हूँ, मोगली में। किधर एक ये डोर तोड़ दे, मार्क्ड एन ओपन डोर, हाँ डोर पर एक दोनों मर गए होते। Enemies ahead. अब इतने में ना हमको पता चलता, चलो ये दोनों बंदे तो ग्रेनेड से फट गए, इनका तो ऊपर ही स्वाहा हो गया। एक बंदा मेरे को दूर से डीपी मार रहा है, मतलब तुम्हारे गुद्दा बहुत है बे, मतलब कते गुद्दा बहुत ज्यादा है बे तुम, मतलब डर नहीं है बिल्कुल, लाइक इतना दूर से डीपी मार रहे। उसके बाद इन्होंने हम पे स्कारल का भी स्प्रे मारा। मैंने कहा भाई देखो पहली बात नो बकवास, तुम जोन से तो 100 किलोमीटर दूर हो यार, तुम जोन कैसे आओगे अब जरा ये बताओ। मतलब देखो भाई सीधी सी बात होती है कि अगर तुमको जोन जाने का है तो तुम लोग ध्यान से आते हो कि कोई तुमको स्पॉट न कर पाए जोन जाते हुए। भाई इन्होंने अलग ही नशा किया है, ये बंदे गोली चला चला करके बता रहे कि हम लोग जोन के बाहर है, हमारा काट लो। वेरी गुड भाई, बहुत टैलेंट है तुम में, तो बहुत आगे जाओगे तुम, मतलब इतना आगे जाओगे कि क्या बताएं। क्या डैमेज पड़ा उसे? यार ये ड्रोगो आकर के मेरे ऊपर चढ़ गया, इसमें कमेंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे कुत्ते। नहीं देखो गाइस अगर तुम्हें इसकी आवाज आ रही है कि नहीं पता नहीं, इसकी सांस लेने की आवाज, तो यार ये हाँ क्या जाना, अरे नहीं नहीं काट मत मेरे को, जाना है प्लीज। हाँ तो अब भाई वो बंदा वहां पर दूर से भाई भागने का, अरे चुप ना 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 ना, अभी नहीं दिलाना, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ ना, प्रोफेशनल वीडियो बना रहे हैं हम लोग गाइस, लाइक कॉन्टेंट इन 200। ये ढोकेडी का नोबड़ा सांप यहाँ पर था, कहाँ भाग गया वो, ए नोबड़ा बाहर निकल, बाहर निकल जा, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। यार ये क्या है यार, ये बच्चे ऐसा पता है बहुत छोटू सा ड्रोगो हमारा, एक साल का होने वाला है वैसे ड्रोगो है, बट बच्चे से हरकत है इसकी, और सबसे बड़ा शैतान आत्मा ये, सबसे ज़्यादा लाकू भी है ये। अब भैया ये बंदा नीचे गुटखाधारी नागिन बना हुआ था, लेकिन इस गुटखाधारी नागिन को क्या पता था कि एक चाटा पड़ेगा टकले पे और उसके भाई बत्ती बन जानी जिंदगी की है, तो इसको तो वैसे ही दे दिया मस्त तरीके से अपन ने। अब भाई बचा था एक अकेला नादान परिंदा। अब ये बंदा निकला कत यू नो अलग लेवल का सांप, लाइक किली सूट पहन के कैंपिंग कर रहा है यार, और हमने पता है इसकी बेइज्जती करने के लिए इसको उससे बुरा मौत दिया, इसको ऐसा मारा ये रो दिया होगा, बोल रहा होगा भाई मेरे को खेलना ही नहीं आई गेम, नहीं खेलना है ये गेम द्रोगो, द्रोगो नहीं खेलना ना, तुम यहाँ कॉन्टेंट क्यों खराब करने आए हो, जल जाओ ना, नहीं तुम मेरा दिमाग क्यों खा लो, जाओ। बस इतना ही, क्योंकि आखिरी बंदे को तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, जिंदगी बदल दी। मैं मिलूंगा कल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो, ये मेरे को तंग कर रहा है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है आ लो चल चल चल, बाय बाय, आ ये ड्रोगो चिकन डिनर नहीं लिखा है मेरे में, Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I need all of you to stop what you're doing and listen.